स्वर्णिम माँ जगदम्बा के चैत्र नवरात्रों का आज पहला दिन है और देश भर से लोग माँ भगवती के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही यहाँ की साज सज्जा फूलों की खुशबू महकती हुई हमें मिली और यहाँ के जो दर्शन करने जो देश भर से लोग आए हैं वो यहाँ पर अपने आप को पहले निहार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी खूबसूरती यहाँ पर आकर देखने को मिली है वो देखते ही बन रही है। राजीव, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कितने खूबसूरत ये जो फूल हैं, ये बहुत समय लगता है इनको यहाँ पर पूरे भवन को सजाने में, क्योंकि 500 मीटर का ये दायरा है जो भवन से लेके आधे मार्ग तक मनोकामना भवन तक ये सजाया जाता है और बेहद इन खूबसूरत फूलों के साथ जो है लोग जो है वो यहाँ पर पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ पर खुद की अनुभूति कर रहे हैं कि कैसे माँ भगवती के दरबार में वो आए हैं और यहाँ पर एक अलग सा आनंद है, अलग सा माहौल बना हुआ है। हो भी क्यों ना, चैत्र नवरात्रों का पहला दिन है आज और अभी 9 दिन बाकी हैं और जिन फूलों की खास हम आपको बात कर रहे हैं, हम आपसे, वो फूल जो है 15 से 20 दिन मुरझाते भी नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि फूलों से सजा दरबार तो आपने हर जगह देखा होगा, लेकिन फलों से सजा दरबार आपने पहली बार माँ वैष्णो देवी के दरबार में देखा होगा। कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे माता रानी के गुफा के बाहर फलों से सजावट हुई है, लेकिन पहले खूबसूरत फूलों के साथ देखिए किस तरीके से देश भर से आने वाले यात्री यहाँ की साज सज्जा के बाहर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और देखिए किस तरीके से कितना समय लगा होगा, कितना लंबा वक्त लगा होगा, पहले मूर्तियां लगाई होंगी, फिर फूलों से सजावट हुई होगी और फूलों से भी माँ भी लिखा है, गुलाब के फूलों से कितना खूबसूरत यहाँ पर माँ लिखा हुआ है। हर कोई आनंदित हो रहा है, हर कोई यहाँ पर आकर तस्वीरें खिंचवा रहा है और बेहद खूबसूरत नज़ारा जो है वो इस समय भवन का देखने को मिल रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही लोगों ने यहाँ पर आकर दर्शन करने शुरू कर दिए, हालांकि लोग पिछली संध्या ही पहुंच गए थे और पूर्व संध्या में भी हमने देखा कि कितना ज़्यादा जो लोगों का जो यहाँ पर आंकड़ा जो है वो देखने को मिला था, हजारों की संख्या में लोग जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं और देखिए कितनी खूबसूरती से आपको भवन भी दिखाएंगे। ये सुबह की सूरज की पहली किरण अभी भवन में पहुंची नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु देश भर से पहुँच चुके हैं और आज वो माता रानी के दर्शन करेंगे। बेहद खूबसूरत नज़ारा और आप देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर, लोगों की आवाजाही है, कड़ी सुरक्षा है और भारी भरकम हथियारों के साथ सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जो देश भर से लोग आते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा का भी जिम्मा जो है यहाँ के प्रशासन ने पूरी तरह से लिया है और आगे हम आपको साथ साथ में दिखाते हैं कि कैसे फूलों से और सजाया है राम दरबार। माता की जो शुरुआत है वो यहीं से 9 देवियों की हो चुकी है। इतनी खूबसूरती से सजाए हुए भवन में सिर्फ फूलों की सजावट नहीं बल्कि बेहद खूबसूरती से माँ यहाँ पर विराज है और वो दिख रही है, हर रूप में यहाँ पर माँ है। मैं आपको दिखाती ही चलती हूँ कि 9 देवियाँ जो हैं वो भवन के ठीक मार्ग में बाहर भवन के पास पहुँचते ही एक एक करके जो है वो यहाँ पर देखिए जय माँ ब्रह्मचारिणी, तो इसी तरह से 9 देवियों का जो रूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग जो आ रहे हैं, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो इसके साथ और पूरा परिवार जो है वो अपने छोटे से मोबाइल में इस खूबसूरत यादों को जो है वो अपने घर पे लेके जा रहा है। जय माँ चंद्रघटा, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि 9 देवियों की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ सिर्फ फूल और फलों से भवन नहीं सजा है बल्कि माँ की 9 जो रूप है माँ के वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और देखिए अगर हम नजर दौड़ाएं इन खूबसूरती पर तो वो तो देखते ही बन रही है, लेकिन
श्रद्धालुओं का तांता धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि सूर्य की पहली किरण के साथ ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही हमने देखा कि एक एक करके जो भीड़ है वो भवन में बढ़ती जा रही है। और भवन की इस भीड़ को आप देखिए कि पहले ही नवरात्र में इतनी ज़्यादा भीड़ है। हालांकि साल 2024 के जो शुरुआत के 3 महीने हुए हैं, लाखों की संख्या में यहां पर लोगों ने दर्शन किए हैं, लेकिन आज पहला नवरात्र है, चैत्र के नवरात्र हैं, और यहां पर मां के दरबार में कोई ना आए ऐसा भला कैसे हो सकता है। आगे आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से फलों से सज रहा है दरबार, हवन यहाँ पर हो रहे हैं, और हर कोई यहाँ पर आकर यही कह रहा है कि चाहे कितना भी लंबा समय लग जाए, वो माँ के दरबार में हैं तो दर्शन करके ही लौटेंगे।